हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, द प्लैनेट अर्थ। जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, उस प्लैनेट के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द प्लैनेट अर्थ। हम इस चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स? क्या आपने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखे हैं? लैंड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लेन्स, हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये सब लैंड फॉर्म्स में काउंट होते हैं। तो आपको बताना है कि आपने ये देखे हैं या नहीं देखे हैं। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दिए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनका नेम हमें यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट इमेज हमें दिख रही है मून की, तो हम यहाँ पे मून फिल करेंगे। MOOM। इसी तरीके से नेक्स्ट इमेज हम देखें तो नेक्स्ट इमेज है अर्थ की, हम यहाँ पे अर्थ लिखेंगे। ERTH। आपको बाकी की इमेजेस पे आइडेंटिफाई करनी है एंड उसको यहाँ पे फिल करना है। सोलर सिस्टम, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम। आर प्लैनेट इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और जो हेवनली बॉडीज हैं और अलग से, ये सब मिलके सोलर सिस्टम बनाती है। सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे आता है। सो इस इमेज में हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स देख सकते हैं। फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, देन वीनस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं। द 8 प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये किसके अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, किस अकॉर्डिंग से हम इनका नेम बोल रहे हैं? ये इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन के सबसे पास मर्क्यूरी है, उससे दूर वीनस है, देन अर्थ है, देन मार्स है। तो ये सन से कितना दूर है इनका डिस्टेंस, ये उसके अकॉर्डिंग उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। द अर्थ, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। आर अर्थ इज अ प्लैनेट, इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज अ होम टू ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द अर्थ हैज लैंड एंड वाटर ऑन इट, इट्स लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, मेकिंग शेल्टर्स एंड फॉर मेकिंग रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अर्थ हैज लैंड एंड वाटर, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। हमारा अर्थ एक प्लैनेट है और ये स्फेरिकल शेप का होता है। अर्थ क्या है? बेसिकली अर्थ एक होम है ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अर्थ पे लैंड भी है, वाटर भी है। इसका जो लैंड है वो फूड ग्रो करने के लिए यूज होता है, शेल्टर की तरह यूज होता है, रोड्स बनाने के लिए भी यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अर्थ पे लैंड भी है एंड वाटर भी है। अर्थ का अराउंड 70% सरफेस वाटर से कवर्ड है। इसी रीजन से हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये 70% वाटर होने की वजह से ये ब्लू अपीयर होता है, ब्लू दिखता है। सो हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स? तो साइंस की कौन सी ब्रांच है जो प्लैनेट की स्टडी से डील करती है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ, अब अर्थ पे जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। देर आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन आर अर्थ, लाइक प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। तो अर्थ पे ये सब डिफरेंट माउंटेन्स हैं। प्लेन इज अ फ्लैट लैंड, प्लेन क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट जो लैंड होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं। हिल इज दैट एरिया ऑन लैंड विच इज हाइयर देन द सराउंडिंग लैंड। हिल कौन सा एरिया होता है जो सराउंडिंग लैंड से थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा हाई होता है, उसको हम हिल बोलते हैं। माउंटेन इज अ वेरी हाई हिल, माउंटेन किसे बोलते हैं, जो हिल बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई होता है, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। वैली इज अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स।
अब दो माउंटेन्स या दो हिल्स के बीच में जो एक लो लैंड होता है, थोड़ा लो होता है लैंड, जो लो सरफेस होता है उसको हम वैली बोलते हैं। प्लेट्यू इज अ हाई लैंड विच इज फ्लैट एट द टॉप। प्लेट्यू भी एक हाई लैंड होता है लेकिन वो टॉप पे फ्लैट होता है। जिस तरीके से जो माउंटेन और हिल्स होते हैं वो टॉप पे बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्टीप होते हैं, लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो टॉप पे फ्लैट होता है। डेजर्ट इज अ लार्ज हॉट एंड ड्राई एरिया कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट काफी लार्ज होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत हॉट होता है और बिल्कुल ड्राई एरिया होता है जिसपे सिर्फ सैंड ही सैंड होती है। द सन, एट प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वॉटर। तो सोलर सिस्टम कैसे बनता है? सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन, एट प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट्स और सारी हेवनली बॉडीज, ये सब मिलके सोलर सिस्टम बनाती है। हम अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ सरफेस का अबाउट 70% वाटर से कवर्ड है। हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आर अर्थ इज अ डैश प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पे अर्थ कौन से नंबर पे आते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने उसको लगाया था उसमें अर्थ कौन से नंबर पे आता है? सो अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट। अर्थ थर्ड पोजीशन पे आता है। अर्थ हैज लैंड एंड डैश ऑन इट। अर्थ पे लैंड है और क्या प्रेजेंट है? अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है। अर्थ इज नोन एज डैश प्लैनेट। अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि उस पे अराउंड 70% वाटर होता है। द डैश इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। एक सिर्फ ऐसा प्लैनेट कौन सा है जिसपे लाइफ पॉसिबल है? सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें बॉक्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अबाउट डैश परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वॉटर। अर्थ का जो पूरा सर्फेस है उसका अराउंड कितना परसेंटेज वाटर से कवर हुआ हुआ है? अराउंड 70% अर्थ का वाटर से कवर हुआ हुआ है। अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड अ, जो बहुत हाई हिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम माउंटेन बोलते हैं। डैश इज अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स। दो माउंटेन्स या दो हिल्स के बीच में जो एक लो लैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वैली बोलते हैं। डैश इज अ हॉट एरिया कवर्ड विद सैंड। अब हॉट एरिया जो सैंड से कवर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। आर अर्थ इज द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में फोर्थ पोजिशन पे आती है, फोर्थ प्लैनेट है वो। फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अर्थ थर्ड पोजिशन पे आती है। आर अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद लैंड फॉर्म्स। अर्थ का सर्फेस लैंड फॉर्म से कवर हुआ हुआ है। ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने बहुत सारी लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। प्लेन्स आर अ हाई हिल। प्लेन्स काफी हाई हिल होते हैं। फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्लेन्स तो फ्लैट लैंड होते हैं। जुपिटर इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट जुपिटर भी है। ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। जुपिटर भी एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा और अर्थ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उसमें लाइफ कैसे प्रेजेंट है, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।